हाँ तो फोटो खींचना जल्दी से, जल्दी से। बस ठीक, टेंशन ना ले, हम लोग भी एक दिन BMW कार खरीदेंगे, किसी से कम है क्या? सर आप इस कंपनी में कैसे जोड़ लेते हैं? यार बादल जी बहुत सिंपल है, अजनबी लोगों से बात करिए, उनसे टाइम पूछिए, आपके पास टाइम फिर भी मालूम है फिर भी आप टाइम पूछिए, सिंपल है, अजनबी लोगों को प्लान दिखाइए बादल जी, तब जाके आप कंपनी में सक्सेस हो पाएंगे। ये इतना बड़ा चिलगोजर बन चुका है, मतलब ये समझने का नाम नहीं ले रहा। ये हम लोग बार 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 ये बात कह रहे हैं कि आप ऐसा ना वीडियो बनाएं, ऐसा ना करें, और लेकिन ये बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये इसको एक टॉपिक मिल जा रहा है, बस नेटवर्क मार्केटिंग। और ये देखिए, ये फोटो देखिए क्या लिख रहा है, पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो बनाता हूं, आप इसको इससे मेरे वीडियो से कोई दुखी ना हो, कोई हर्ट ना हो। तो भाई साहब उत्तम केवट जी, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। आप ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, किसी इस इंडस्ट्री को आप बदनाम करते रहेंगे, मजाक बनाते रहेंगे, रोस्टिंग करते रहेंगे, और कोई हर्ट नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। और इस भाई साहब के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। अरे काहे को जागरूक कर रहा है, तुम लोगों को यूज कर रहा हो मेरे भाई, ठीक है, यूज कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन आप लोगों से को वीडियो दिखा करके अपने व्यूज बढ़ा करके, लाइक करके, कमेंट करके सारा पैसा तो वो कमा रहा है। आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि वो नेटवर्क बना रहा है, वो भी नेटवर्क बना रहा है, अपने फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, और जितने भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसके उसका नेटवर्क बढ़ रहा है। इस चीज को समझिए, जागरूक नहीं कर रहा है। अभी मैं कल दिखाया था कि आप लोग बोलते हैं पैसा मेरा बर्बाद हो जाता है, तुम प्रोडक्ट लेते हैं और पैसा उसका देते हैं, कौन सा पैसा आपका डूब गया? हमारा समय बर्बाद होता, आपका कौन सा समय बर्बाद हुआ? आप नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी करते हुए तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं उसको करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन ऑलरेडी उस बिजनेस को करते हुए ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी कर सकता है अपने पढ़ाई को करते हुए, तो हर जगह तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कुछ नहीं करते हैं, घूमते हैं और रोज बेरोजगार बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, 3 साल से कोई चिल्ला रहा है, कोई 5 साल से चिल्ला रहा है, और वो टाइम वेस्ट हो जा रहा है, वो टाइम बर्बाद हो जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा टाइम बर्बाद हुआ। अरे आपसे नहीं हुआ काम, आपने आप कर ही नहीं पाए, ठीक है, और ना इस सिस्टम को फॉलो किया, ना आपने कर पाया, और बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो जब आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है, तो आप सोचिए ना कहां कहां आपका टाइम बर्बाद होता है, उस चीज को थोड़ा सा काउंट कर लिए। और इसके जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया ऐसे ही लोगों को आप सपोर्ट करते रहिए जो दूसरे को रोस्टिंग कर रहे हैं। पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, आप गलत जगह जाके फंस जाते हैं तो आपकी अपनी गलती नहीं देते हैं, दूसरे गलती दे रहे हैं, दूसरे की गलती देना छोड़ दीजिए, और इस चीज को समझिए नजदीक आकर के इसको, ना कि दूसरे को के कहने से आप इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझ गए। मैं भी ऐसे पहले बोलता था कि ये सब फालतू चीजें हैं, लेकिन जिस दिन समझा ना और एथिकल कंपनी को समझा, तब जाके समझ में आया कि नहीं, ये जीवन बनाने का बिजनेस है, आने वाली पीढ़ियों का को उज्जवल भविष्य देने का बिजनेस है। तो ऐसे ऐसे चिलगोजरों के उसमें चक्कर में ना पड़िए, ठीक है, समझिए नेटवर्क मार्केटिंग के। और मैं भी बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, इसका पैसा डूबा हुआ है, ये भी रातों रात करोड़पति बनना चाह रहा था, इसलिए इसका पैसा डूबा हुआ है, और ये कर नहीं पाया, गलत जगह फंस गया, तो ये रोस्टिंग कर रहा है। और मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूं कि इन जैसे लोगों के, इन जैसे टुच्चों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि नहीं, हम लोगों को विरोध कर रहा है, इस पे हमें नहीं करना चाहिए। तो साथियों आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन टुच्चों के पास, इन चिलगोजरों के पास ये वीडियो पहुंचे, और इन ये आगे से बनाना छोड़ दें। ओके साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।